पाकिस्तान जो है कोई मुल्क नहीं है, एक डुप्लीकेट कंट्री है। पाकिस्तान डुप्लीकेट काम करता है, इसका गवर्नमेंट डुप्लीकेट, इसका लोग डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट है। आधा पाकिस्तान अफगानिस्तान का है, आधा इंडिया का है, उसको बनाया है एक मुल्क। इंडिया का तो कोई समझौता था जो था वो होता, तो मगर अफगानिस्तान का जो है ये जो इसका पश्चिमिस्तान क्या कहेंगे आप देविक जी? उधर आधी रात को तुम लेडीज को भेज दो, कुछ भी नहीं, सोना 10 तोला 100 तोला सोना पहना के लेडीज को, इंडियन में गवर्नमेंट किधर भी भेजो जंगल में, उधर कुछ भी नहीं होगा। मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करता हूँ इंडिया को, इतना रेवेन्यू दुबई ने, सऊदी अरब ने अपने तेल से नहीं कमाया जितना आईटी से इंडिया ने कमाया, इतना तो वो समझदार है ना कि आज इंडिया अपने आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करके इतना आगे है कि उतने इतना रेवेन्यू जनरेट कर लिया कि इतना तो तेल से उतना नहीं किया गया। अब आप इमेजिन करेंगे कि ऑयल कितनी बड़ी पावर है पूरी दुनिया। मोदी मैं बोल नहीं सकता, मोदी बहुत अपने मुल्क के लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, अपने मुल्क के आवाम के लिए अच्छा है। सही होना चाहिए ना, अपने मुल्क का जो भी लीडर है अपने लिए अच्छा होना चाहिए। मैं भी यही कहना चाह रहा था कि हम क्यों पता करें, क्यों टीवी पे देखें, क्यों मीडिया पे देखें, आपको तो नजर आ जाता है चोई साहब, आप तो दूर की देख लेते हो, तो आप चंद्रयान भी बता दें। पूरी दुनिया इंडिया में इंडस्ट्री लगाएगी, अब देखिए ना टेस्ला उधर आ गया, मोबाइल उधर बन रहा है, गाड़ी उधर बन रही है, दुनिया की बड़ी बड़ी चीज़ें उधर बननी शुरू हो गई हैं, लिथियम इंडिया से निकलने लग गया हुआ है। अब आप समझिए ना बात को, अब एक और चीज़ बताना चलूंगा, एक चीज़ तो हम भूल ही गए हैं, एक है चंद्रयान बिल्कुल और एक है समुद्रयान। अच्छा समुंदर में समुद्रयान जो है ना वो अनाउंस कर रहे हैं, इसके बारे में मैंने खबर एक पढ़ी थी। नहीं दोस्तों आइए पाकिस्तान से लेटेस्ट वीडियो देखते हैं। देखिए पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया था, अब अफगानिस्तान से आवाजें उठने लगी हैं और जल्द ही पाकिस्तान पर हमला भी किया जा सकता है। दूसरी ओर चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 3 पहुंच गया है, एक काफी अहम पड़ाव था। चंद्रयान ने 22 दिन के सफर में कल शाम 7:15 पर चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया और चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया। अब रात को करीब 11 बजे ऑर्बिट को कम किया जाएगा, लैंडिंग से पहले चंद्रयान 4 बार अपना ऑर्बिट बदलेगा। तो देखिए पाकिस्तान मीडिया के हवाले से क्या खबर आ रही है, तो आप लोग क्या रिकमेंडेशन में जरूर रखे, वीडियो शुरू करते हैं। कश्मीरी को तो अपने हकूक मिलने चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए उनसे बात करें, नवशहबाज शरीफ को चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बात ही नहीं करता, कश्मीरी कम से कम बात करता है, कश्मीरी की ज़्यादा से ज़्यादा बात करोगे तो अपने कश्मीरी भाई को हक मिलेगा, उसका जो कानूनी हक है उसे मिलना चाहिए। क्या इन सारी सिचुएशन के अंदर जहाँ पर मुल्क के अंदर भागदौड़ लगी हुई है, आज मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर को जेल होगी, यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा, गुर्बत के हालात है, यहाँ पर राशन कार्ड नहीं बना हुआ, इंडिया के अंदर 2 रुपए का राशन के महीने का राशन मिल जाता आपको, क्या ये सारी फैसिलिटी जब हम उनको बताएंगे कि हमारे पास आकर इन हालातों में हमारे साथ जूझो, 180 रुपए का किलो आटा खाओ, क्या वो आएंगे हमारे पास? भाईजान इंडियन बात करते हो तो इंडियन में हर गरीब आदमी को 10 किलो गंदम फ्री मिलती है, जहाँ तक मेरी मालूमात है, अपने को नहीं मिलती, अपने को लाइन लगने के बाद पैसे देने के बाद भी चीज़ नहीं मिलती, हम पैसे देके चीज़ देते हैं वो नहीं मिलती हमें, और हम कमाएं या चीज़ लेने जाएं, लाइनों में लगें या पैसे या काम की तरफ जाएं या पैसे कमाने की तरफ जाएं, या लाइन में आटा छीनूं कुछ छीनूं, मतलब कुछ भी नहीं है। वापडा की बात करो, लाइट नहीं है, बिल है, कुछ भी कर लो, आवाम के पास सांस लेने का फुर्सत नहीं है, कमाने जाएगी तो भूख मरेगी आवाम, ना गवर्नमेंट के पीछे लगो ना कमाओ, सिर्फ गवर्नमेंट को छोड़ दो, जो मरे जीवे कुछ भी नहीं है, अपने नोट कमाओ और दूर करो परेशानी, बस। हम लोगों को भी चाहिए था स्ट्रगल करने के लिए, पाकिस्तान को भी चाहिए था कि हम भी कुछ करते, लेकिन हम अपनी भूखमारी में गुर्बत से बाहर निकले तो हम लोग कुछ कर सके ना, क्योंकि हम लोगों को लगा इस तरफ दिया गया हुआ कि सर रोटी पूरी करो, अपनी रोटी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो चंद्रयान के लिए हम इंडिया को अप्रिशिएट करेंगे, हमारा हमसाया है, दुनिया में पाकिस्तान का भी नाम आएगा कि इंडिया का हमसाया जो है, सॉरी पाकिस्तान का हमसाया इंडिया चांद तक पहुंच चुका है, और चांद की ऐसी जगह पे पहुंच चुका हुआ है कि जहां पे पहले कोई नहीं गया। एक और चीज बताता हूं, पहुंचने वाला अभी पहुंचा नहीं, अभी इंडिया के साइंसदान, इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, वो चांद के ऊपर पानी ढूंढेंगे भाईजान, उस पानी से ऑक्सीजन बनाएंगे जिससे वो सांस ले सकेंगे, जिससे वो चांद की और दूर तक जाएंगे, उसमें खजाने भी ढूंढ सकते हैं, बड़ा कुछ मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है जो फील होता है कि आप यहाँ शॉप पे बैठते हैं और पाकिस्तान की खबरों से ज्यादा इंडिया की खबरों को सुनते हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ शुएब भाई, ऐसी बात नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूँ, हमारा मैंने आप देखे, मैंने आपको इल्जाम नहीं लगाया, मुझे फील होता है कि आपको हर अच्छा, मैं इस चीज को भी इल्जाम से लेके चलता हूँ। देखिए जब हम पाकिस्तानी ना इतने बदनसीब हैं, इतने बदनसीब हैं कि हम लोगों को बात बड़ी देर से समझ आती है, इतनी देर से समझ आती है कि जब तक आपकी गाड़ी निकल गई होती है। अब आप देखिए रिसेंटली जब मैंने मोदी साहब की बात शुरू की या इंडिया की बात शुरू की, पाकिस्तान में कोई ऐसे खुल के बात नहीं करता था, तो मैंने आपको गद्दार, मुझे गद्दार कहा गया, बुरा भला कहा गया, मुझे पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं, एजेंट तक मुझे कहा गया। अब पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग मेरे पास आते हैं इंटरव्यू करने के लिए, अब यानी कि उन्हें भी समझ आ रही है मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए कि ये सही कह रहा था, अच्छा, इंडिया तरक्की कर रहा है। अच्छा, इंडिया एक चीज ये भी बताएं, यूट्यूब पे तो आप बड़ी खुल के तारीफ कर देते हैं फिर इंडिया की या उनके प्राइम मिनिस्टर की, तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया से आपके पास जर्नलिस्ट आते हैं, मैं जानता हूं कुछ लोगों को, बड़े बड़े नाम है वो बड़े, तो वो आपके पास आते हैं तो वहां पे भी इंडिया की तारीफ करते हैं या वहां पे आप इंडिया के खिलाफ बात करते हैं? आप बिलीव कीजिए मेरे इंटरव्यू खोल के देख लीजिए, मैंने जो भाई सच है मैंने वो बोलना है। अगर चला देते हैं इंडिया, चल रहा है जी, चल रहा है भाई जान, अच्छा अगर इंडिया तरक्की ना कर रहा हो
और मैं कह दूं कि इंडिया तरक्की कर रहा है तो भाई मुझे जूते पड़ेंगे, हर बंदा मुझे जूते मारेगा। जब वो तरक्की कर रहा है, और मैं नहीं कह रहा, हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर कह रहे हैं इंडिया की तारीफ कर रहे हैं कि वो तरक्की कर रहे हैं, और इमरान खान साहब जो है उन्होंने भी की तारीफ। अब देखिए रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब इंडिया के साथ हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं, दोस्ती की बात कर रहे हैं इंडिया के साथ। अल्लाह करे कि वो हमारे साथ दोस्ती कर लें, उसकी वजह से हमें भी फायदा मिलेगा। हमने चार जंगे लड़ ली इंडिया के साथ कश्मीर को लेकर, देखे ना नुकसान कितने हुए, कोई फायदा हुआ? इंडियन अपन से 100 साल आ गए, अपन सिर्फ पाकिस्तान में एक ही बात करते हैं, अपनी पाकिस्तानी फौज की टांग ऊपर उसकी, अपन किसी चीज़ पर नहीं जा रहे, इंडियन से मुकाबला नहीं कर रहे, अपन को इंडियन से मुकाबला करना चाहिए। इंडियन की तालीम अपन से अच्छी अपन भेज करते हैं, अपन चोरी करने में, मैं पाकिस्तान का चोरी, मेरा मौका मिला मैं वापस ही चोरी करूँगा, तुम्हारा मौका मिले तुम चोरी करो, लीडर का मौका मिले लीडर चोरी करे, अपन खुद चोर, एक पंचर वाला का मौका मिले पंचर वाला चोरी करे। गवर्नमेंट का कसूर भी है, आवाम का भी कसूर है, आवाम भी कम नहीं करती, आवाम सबसे बड़ी चोर भी है और अच्छी भी है, आवाम भी घट नहीं करती, आवाम भी लूटती है दुकानदार को। मेरा बच्चा सब्जी वाला है, बच्चे गया 1,000 की सब्जी को 3,000 कर रहा है, क्योंकि उसका घर खर्चा 3,000 है, वो मजबूर है। एक रक्षा वाला 150 का पेट्रोल भरा के बोला 300 लूँ, क्योंकि उसका खर्चा 300 है। ऐसे नहीं है जैसे इंडियन गवर्नमेंट में राशन कार्ड बने में वो सस्ता मिलता है, अपन को सबको एक ही रेट मिलता है। तो 2,00,000 रुपये कमाता है, उसको भी 300 रुपये किलो दूध, मैं 150 रुपये डेली कमाता हूँ तो मेरे को भी 300 रुपये किलो दूध। कोई ऐसा नहीं है राशन कार्ड या तरीका कार हो कि जिसको गरीब है उसको रियायत से मिले। इधर बोलो कहाँ पर जुलम पाकिस्तान नहीं ज़्यादा है, पाकिस्तान का नाम ही मैं नहीं बोल सकता, तो करूँ मेरा अच्छा मुल्क है, इस मुल्क में रहता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, बेहतरीन मुल्क है, बस कुछ लोग ठीक हो जाए तो काम अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सही सर, जंगे की मैं बात कर रहा था, चार जंगे लड़नी कोई फायदा हुआ? जंगों के नताई से भी हम नहीं सीख रहे, हम फिर भी टेबल टॉकिंग पे आ ही नहीं रहे। आप आज इंडिया को कह दें कि भाई जो कुछ हुआ मुख मुकाओ कर लो, बैठ जाओ बात करो, हमारे साथ ट्रेड कर लो, हमारे साथ अच्छे तरह रिलेशन बिल्ड कर लो, दुनिया को हम ये ना बताएं कि हम मुअज़्ज़िब कौम है। भाई बात सुनो, इंडिया से क्या जंग करने में नुकसान ही है हर मुल्क का, मैं आपसे लड़ाई करूँ मेरी नुकसान है, भाई से करूँ लड़ाई का हल है नुकसान। इतना इन्वेस्ट करते हैं, मैंने ये तैयारा बना लिया, ये जंग बना लिया, ये बम बना लिया, क्यों बना रहे हैं? ये नहीं बनाओ ना, ये बनाओ, अपन ने ये यूनिवर्सिटी बनाई, अपन ने ये गाड़ी बनाई, इधर जाओ, अपन इधर नहीं जा रहे हैं, अपन ये रक्षा इलेक्ट्रॉनिक चीज पे जाओ, अपन पेट्रोल के पीछे लगे हुए, क्यों पेट्रोल खत्म करो, पेट्रोल इलेक्ट्रॉनिक चीज पे आओ, क्या वास्ता जा रहा है सर 2035 तक वो टोटली इलेक्ट्रिक होगा, नरेंद्र मोदी ने वादा किया। मोदी मैं बोल नहीं सकता, मोदी बहुत अपने मुल्क के लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, अपने मुल्क की आवाम के लिए अच्छा है, सही होना चाहिए ना, अपने मुल्क का जो भी लीडर है अपने लिए अच्छा होना चाहिए। लीडर बोल रहे आओ आओ खाओ, सर वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा था आओ पाकिस्तान हमारे साथ जंग करो, जंग इसलिए नहीं कि हथियारों की, उन्होंने कहा था आओ एजुकेशन की जंग करते हैं, आओ अपने मुल्क को आगे लेके जाने की जंग करते हैं, आओ अपने मुल्क में फैक्ट्री लगाने की जंग करते हैं, आज बताएं वो जंग में हमसे जीत गए। तो बिल्कुल बड़ी जबरदस्त बात है भाई अंकल जी हैं जो बोल रहे थे। देखो जो 2 साल पहले मोदी जी ने बात खोली थी कि भाई पाकिस्तान हमारे साथ जंग करो, हम चाहते हैं गरीबी दूर हटाओ जंग करो, कौन देश सबसे पहले गरीबी दूर करता है, शिक्षा की जंग करो, कौन देश सबसे पहले आगे शिक्षा जाता है। देखो पाकिस्तान का भारत का वैसे कंपैरिजन तो बिल्कुल बनता ही नहीं है, और जितनी भी भाई मोदी साहब ने और इन अंकल जी ने बात बोली थी, भारत उनसे काफी बहुत आगे चला जा चुका है, यानी कि भारत 1 साल आगे जा रहा था, पाकिस्तान 1 साल पीछे जा रहा है, तो वहां पर 2 साल का डिफरेंस बन रहा है, भारत 2 साल आगे जा रहा है, पाकिस्तान 2 साल पीछे जा रहा है, यानी कि 0 से लेकर 2 साल उधर 2 साल उधर, भारत प्लस जा रहा है तो पाकिस्तान माइनस जा रहा है, यानी कि डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है भारत 1 जा रहा था पाकिस्तान फिर 1 आ रहा है, एक डिफरेंस भारत 2 गया पाकिस्तान फिर 2 डिफरेंस नहीं, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान के भाई हुक्मरान है, सरकार है, अभी देखो शहबाज शरीफ है, अभी फिलहाल है 14 तारीख को वो भी चल जाएगा, दूसरी तरफ इमरान खान है, इमरान खान को भाई जेल में डाल दिया है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री ही नहीं आज तक बन के आ रहा है जो कि जेल में ना गया हो। या देखो राजनीति है कि जेल से जुड़ा रहता है भाई, आना जाना रहता है, बट जो यानी कि यार हुक्मरान भी जिसके चोर हो, आवाम तो भाई हो गई है ऐसी, तो क्योंकि दूसरे देश में जाते तो आप आवाम की वजह से नहीं पहचान जाते, हुक्मरानों की वजह से पहचान जाते। आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में, जय जय भारत, जय श्री राम।